हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाएंगे ब्रोकली की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं एक यूनिक तरीका से, जिसमें से कि ब्रोकली को हम बॉईल करके बनाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है और जो कि पहली बार आप शायद देख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले जीरा, मेथी और मिर्ची जो सिंपल प्रोसेस है वो डाल देते हैं। फिर इसमें आप देखिए कितना टाइम तक इसको पकाया जाता है, मतलब लगभग जब तक लहसुन का कलर सुनहरी कलर ना आ जाए, लगभग येलो येलो हल्का, तब तक हमें इसको अच्छे से पकाना चाहिए कोई भी सब्ज़ी हो। फिर इसके बाद हमें प्याज डाल देना चाहिए। तो प्याज डालने के बाद फिर हमें उसको सही तरीके से खाना चाहिए एकदम अच्छे से, जैसे लहसुन कलर देख रहे हैं आप बहुत अच्छे तरीके से कलर है, तो इस कलर तक हमें पकाना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से पका रहना चाहिए। और फिर मटर डाल देना चाहिए। मटर डालने के बाद यदि थोड़ी देर हिलाना चाहिए गैस को स्लो फ्लेम करके, अदरवाइज आप यदि तेज करते हैं तो मटर बाहर चले जाएगा, इसलिए हमें इसको ढक देना चाहिए। ढकने के बाद क्योंकि यदि जो फ्लेम है उसका गैस धीमा है तो इसके कारण वो कुछ देर बाद फूटता है, इतना टाइम में बहुत तेज फूटता है और हमारा ये लगभग पक गया है अच्छे से, लगभग सब फूट गए हैं इसके अंदर के जो दाने हैं। तो हम इसके बाद अब इसको आगे स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। अभी हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है इतना टाइम, जो कि काफ़ी अच्छे कलर दिखता है और काफ़ी अच्छे तरीके से दिखने लगा है लगभग। और इसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे कि थोड़ी देर तक जैसे अच्छे तरीके से हो जाए इसके बाद हमें आलू डालना चाहिए। अब हम आलू डालेंगे लगभग, जो कि इसका कलर चेक कर लीजिए आप पहले कैसे है, इसके बाद हम बात करते हैं। और ये हमारा लगभग अच्छे तरीके से हो चुका है इस टाइम तक। अब इसके बाद हम इसमें अब आलू ऐड करते हैं, ताकि आलू भी थोड़ी देर तक भूनना चाहिए तेल से, ताकि अच्छे तरीके से पक जाए और इसका थोड़ी फ्लेवर अच्छा आता है। अभी आलू को पहले हम थोड़ी कर लेते हैं, वो भी ज़्यादा देर के लिए नहीं, करीब 2 मिनट के समथिंग करना चाहिए। फर्स्ट में आलू ही अच्छे से करते हैं, उसके बाद हम फिर ब्रोकली तो डालेंगे ही, पर पहले हम आलू ही डालें और उसको हम अच्छे तरीके से पकाएं। करीब 5 मिनट तक हमें पकाना चाहिए आलू को, इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती। इतने में हमारा आलू जो है तो अच्छे तरीके से भुन जाता है, यह कि फ्राई टाइप से हो जाता है। इसके बाद हमें ब्रोकली डाल देनी चाहिए, जो कि ये जो काफ़ी अच्छा दिखता है और जो कि हमने डाल दिया, इसको पका के डाल देना चाहिए टाइम से, इसी टाइम पर लगभग, जिससे कि टेस्ट काफ़ी स्वादिष्ट बनता है और काफ़ी अच्छे तरीके से बनता है। जो कि हमने डाल दिया है इसमें और ये आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, जो कि आपको दिख रहा है। और हमें फिर इसके बाद ढक ढक के पकाना चाहिए ताकि अच्छे से हो। इसके बाद हम 5 मिनट बाद लगभग नमक डाल देते हैं, सॉरी 15 मिनट नहीं करिएगा, 5 मिनट तक। और इधर साथ में रोटी भी बन रहा है हमारे, और नमक डालने के बाद फिर उसे मिलाते रहिएगा और बीच बीच में खोते जाइएगा, जैसे कंडीशन आता जाएगा उसी हिसाब से फॉलो करते जाइएगा। तो ये हमारा अच्छे तरीके से हो गया है, लगभग इतना टाइम 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट होने के बाद इसको थोड़ी थोड़ी चिपकने लगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हालांकि आप खोते जाएंगे। इसके बाद पहले मसाला डालें, और मसाला के साथ ही हल्दी डालना प्रीफर कर सकते हैं आप, हल्दी भी साथ में डाल सकते हैं कि जितना टाइम मैं डालूंगा उतना टाइम भी डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मसाला डालने के बाद थोड़ी देर तक हमें मसाले को अच्छे तरीके से पकाना चाहिए, ताकि वह अच्छे तरीके से उसके में थोड़ी जो तेल रहता है, तेल और मॉइस्चर के साथ अच्छे से हो जाए, जो कि इस टाइम पे जैसे दिख रहा है अच्छे तरीके से हो, ताकि फ्लेवर अच्छा आए और अच्छा टेस्ट बने। इसके बाद फिर हम जैसे वो पक जाता है 5 मिनट के बाद, इसके बाद टमाटर डाल देते हैं, और टमाटर के साथ ही हम हल्दी डालते हैं, हालांकि हल्दी मसाला के साथ डाल देना चाहिए। और हल्दी डालने से क्या होता है, आप साथ में डाल देंगे चिपचिपा होगा, यदि आप ऐसे डालते हैं चिपचिपा नहीं होता। और जो टमाटर है थोड़ी गैप के साथ डालें तो टमाटर भी अच्छे तरीके से पक जाता है और बहुत ही कम टाइम में। और टमाटर डालने से क्या होता है, मसाला के बाद सब्जी पकता नहीं है एक अच्छे तरीके से, और एक अच्छी तरीके से सूखी सब्जी हमारा बन के तैयार हो जाता है कुछ ही मिनट से। और इस जो वीडियो है इसका पूरा क्रेडिट मेरे मामा जी को जानता है, श्री रमाकांत पटेल, जिनके द्वारा मैंने खाना बनाना सीखा है अच्छे तरीके से, जिनका फ़ोटो आपको दिख रहा है इस टाइम पर, और उन्हीं के द्वारा सिखाए हुए एक पूरा प्रोसेस है। और लगभग कुछ ही देर से ऐसे अच्छे तरीके से हो जाता है। इसके बाद हम उसमें धनिया पत्ता ऐड कर देते हैं, तो धनिया पत्ता ऐड करने से कुछ अच्छे तरीके से आता है, फ्लेवर की बात ही क्या रहती है, एकदम अच्छे तरीके से आता है, मज़ा आ जाता है खाने में कोई भी चीज़ धनिया का तो आपको पता ही है। और इसको ऐड करने के बाद थोड़ी देर तक चलाते हैं ताकि वो अच्छे से पक जाए। और इसके बाद लगभग अब हमारा कंप्लीट होने वाला है, और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे घर में ट्राई कर सकते हैं और लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से बनता है। और एक बात, सब्ज़ी इस तरीके से जब तक आपका इकट्ठा ना हो जाए तब तक मान लीजिए कि आपका अच्छे से नहीं पका है, जैसे आप फिर चलाएंगे तो इकट्ठा फील होने लगेगा, और इस तरीके से हमारी सब्ज़ी बंद हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। अभी थाली में हमने निकाल लिया, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था
थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।